सही मनमाने ढंग से मंत्र जप करेंगे, भगवान नाम जपेंगे, तो ये समझो कुल्ला करने वाली बात है, प्यास मिटा दूं कुल्ला करके। यहाँ तो यो कहो कि प्यास लगी और अंगारों की तरफ जा रहा है, अरे कैसे प्यास मिटेगी? सुगंध चाहता है पर प्लास्टिक के फूल उठा रहा है, सुगंध कैसे मिलेगी? गुलाब का फूल चाहता है पर कंकर जमीन में दबा कर बैठा है कि इसमें से अंकुर फूटेंगे और गुलाब का फूल खिलेगा। अरे तूने कंकर जमीन में दबाया है, कुछ भी नहीं होगा। तो सारी दुनिया में जो लोग भी सुख पाना चाहते हैं पर संसार से ही सुख लेने में लगे हैं, वो तो ऐसे हैं कि जैसे कोई नदी के पानी पर रेती से दीवार बनाना चाहता है। अरे कैसे बनेगी भाई? पानी पे लकीर खींचो कब तक टिकेगी? ऐसे ये दुनिया के मजे हैं, पानी पे खींची हुई लकीरें टिकने वाली नहीं है। इसलिए सत्संग और भगवान के नाम का आसरा, मैं तो आप सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि आपको दीक्षा लेने की इच्छा हुई भाई, कि हम गुरुदेव से भगवान के नाम की दीक्षा लें। आप सचमुच वंदना करने के योग्य हैं। मैं आपको राजी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे आपको राजी करने से क्या कुछ मिलने वाला है? मैं तो मुंबई में रहने वाला भी नहीं हूँ, जाना है तो फिर भी मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि हरि नाम की दीक्षा लेने की इच्छा होना भी भाग्य की बात है। अभागे आदमी को इच्छा भी नहीं होगी कि मैं दीक्षा लूं। भगवान शिव जी ने रामचरितमानस में ऐसे लोगों के लिए कहा, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो वही विषय अनुरागी। भगवान को छोड़कर, भक्ति को छोड़कर जो संसार में ही राग करते हैं वो शिव जी कहते हैं मेरी दृष्टि में अभागे हैं, और वे भाग्यशाली हैं जो सत्संग में आए। भगवान राम कहते हैं, बड़े भाग पाईव सत्संगा, बिनहि प्रयास होवहि भव भंगा। तो गुरु की दीक्षा ये भाग्य से मिलती है। भगवान शिव जी ने कहा, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुणाम दीक्षितो भवेत्। गुरु के द्वारा दीक्षित होना चाहिए, तो आप आज दीक्षित हो रहे हैं। भगवान के नाम का जप माला के द्वारा करेंगे, नियमित पूर्वक करेंगे, अपना मंत्र कभी किसी को न बताएंगे। विद्यार्थी बच्चे और बच्चियां जो सारस्वती मंत्र लेने वाले हैं, वो अपना सारस्वती मंत्र कभी अपने स्कूल कॉलेज में साथ पढ़ने वाले दोस्तों को, बच्चियां अपनी सहेलियों को अपना मंत्र नहीं बताना चाहिए। अपना इष्ट मंत्र अपने तक ही सीमित रखा जाता है। सारस्वती मंत्र की दीक्षा गुरुदेव से मैंने भी ली हुई है, मैं भी रोज उसका जप करता हूँ। उससे याद शक्ति चमत्कारिक ढंग से बढ़ती है। विद्या की देवी है माँ सरस्वती, तो माँ सरस्वती के नाम का जप करना ही चाहिए सभी विद्यार्थी भाई बहनों को। सारस्वती मंत्र के जप से विद्या प्राप्ति के क्षेत्र में अपार सफलता विद्यार्थियों को प्राप्त होती है। ऐसे कई विद्यार्थी मैंने देखे हैं। एक विद्यार्थी पढ़ने में बहुत कमजोर था, तो माँ ने उसकी जन्म पत्री दिखाई किसी पंडित को। पंडित ने कहा कि आपका बेटा पढ़ने में कमजोर ही रहेगा, इसके जन्म के समय ग्रहों की नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो माँ ने बेटे को सारस्वती मंत्र की दीक्षा दिला दी, और बेटे को भी लगन लगी, वो रोज नियम से और निष्ठा से जप करता था। जब परीक्षाएं हुई, परिणाम आया, तो वो लड़का 99% लाया। तो माँ ने उस ज्योतिषी को कहा कि आप तो कहते थे मेरा बेटा कमजोर रहेगा, ये तो 99% लाया है। तो ज्योतिषी जी बोले कि आपका बेटा जरूर कोई जप करता है, बोलो। तो माँ बोली, हाँ इसने गुरुदेव से सारस्वती मंत्र की दीक्षा ली है। तो ज्योतिषी ने कहा, उसी के प्रभाव से आपके बेटे के ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन आ गया है।
तो जप में इतनी शक्ति है कि ग्रहों की स्थिति भी सुधर जाए और ग्रह हमको क्लेश नहीं, ग्रह हमको सुख शांति देने वाले हैं। फिर शनि भी राजी, मंगल भी राजी, बुध भी राजी, सब ग्रह राहु केतु सब राजी हो जाते। चहुं जुग तीन काल तिहुं लोका भय नाम जप जीव विशोका। नाम जपने से मनुष्य शोक रहित हो जाता है, दुख रहित हो जाता है, क्योंकि भगवान के नाम जप में दुखद प्रारब्ध को सुखद बनाने की शक्ति भरी हुई है। हम सुबह जप ध्यान करने बैठे, साधना करने बैठे तो हमारा मुख पूरब में होना चाहिए, पश्चिम में नहीं। तो पूरब की ओर मुंह करके जो सुबह जप करता है उसका भाग्योदय होता है, और शाम को जप करे तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके करे उसका भाग्योदय होता है। तो आप देखना घर पे ऐसे ढंग से जप करना। कई लोग बोलते हैं कि ये कोई उम्र थोड़ी दीक्षा लेने की, अभी काय को दीक्षा लें, क्या जरूरत है, क्या जल्दी है। वास्तव में यही उम्र है। फसल सूख जाए फिर बरसात हो तो क्या फायदा, बीमार आदमी मर जाए फिर कोई दवाई लेकर आए तो क्या फायदा। समय पे काम हो जाना चाहिए ना। तो ये समय है नाम जप का, अभी से वर्तमान से करना चाहिए। भगवान राम ने एक दिन हनुमान जी को पूछा कि समुद्र पे सेतु कैसे बना रहे हो। राम जी ने जानना चाहा, हनुमान जी बोले कि प्रभु आपका नाम पत्थरों पर लिखकर पानी पे डाल रहे हैं, पत्थर तैर रहे हैं, सेतु का निर्माण हो रहा है। राम जी को हुआ कि मेरा नाम लिखने से पत्थर तैर रहे हैं, जरा देखूं तो सही। राम जी देखने के लिए आए, देखा तैर रहे हैं, तो राम जी ने सोचा कि चलो मेरे नाम से तो तैर रहे हैं, जरा मैं भी उठाकर फेंकूं देखूं मेरे से तैरते कि नहीं तैरते। मेरे नाम से तैर गए तो मेरे से भी खुद तैर जाएंगे, मैं तो खुद राम हूँ। राम जी ने एक पत्थर डाला तो डूब गया, दूसरा डाला वो भी डूब गया, तीसरा डाला वो भी डूब गया, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े डाले सब डूबते गए। राम जी को हुआ कि अच्छा हुआ किसी को साथ नहीं लाए थे, नहीं तो क्या बोलता हो, क्या सोचता कि इनसे तैरा ही नहीं, इनके नाम से तैर गया। राम जी जाने के लिए मुड़े ही थे कि पीछे हनुमान जी खड़े थे, जय श्री राम। राम जी ने कहा तुम कब से खड़े हो, बोले जब से आप आए हो तब से आपके पीछे पीछे ही आया हूँ। तो आप तो कहते थे हनुमान जी के मेरा नाम पत्थर पर लिखकर पानी पे डालते हैं तो वो तैरता है, पर मैं तो खुद राम हूँ, एक नहीं कई पत्थर डाले एक भी नहीं तैरा। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आपका नाम पत्थरों को तैरा सकता है, पर जिसको आप उठाकर फेंक दो उसको कौन तार सकता है, जिसको भगवान ठुकरा दे उसको कौन तारेगा, है ना। आपका नाम तैरा देगा पत्थरों को, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। भगवान के नाम में शक्ति है कि पत्थर भी तैर जाए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा राम सुकंठ विभीषण दो राखे शरण जान सबको। राम जी ने सुग्रीव और विभीषण को अपनी शरण में रखा, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया, विभीषण को लंका का राजा बनाया। परंतु भगवान के नाम ने तो कईयों को नवाजा है, नवाजा माने कृपा कर दी। राम सुकंठ विभीषण दो राखे शरण जान सब को, नाम गरीब अनेक निवाजे लोक वेद वर विरुद्ध विराजे। भगवान के नाम ने कईयों पर कृपा की। राम एक तापस तिय तारी, भगवान राम ने तो एक ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। राम एक तापस तिय तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी, भगवान के नाम ने कईयों की कुमति रूपी अहिल्या का उद्धार किया। दंडक वन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन।
दंडक वन एक जगह थी, एक ऋषि का श्राप था कि इस जगह पे हमेशा पतझड़ छाई रहेगी, यहाँ वसंत का आगमन नहीं होगा, यहाँ के वृक्षों पे फल नहीं लगेंगे, यहाँ के पौधों में फूल नहीं लगेंगे, ऋषि का श्राप था। पर जब भगवान राम पधारे तो वो जगह श्राप मुक्त हो गई, वहाँ वसंत का आगमन हुआ, वृक्षों में फल लगने लगे, पौधों में फूल लगने लग गए। तुलसीदास जी ने लिखा, दंडक वन प्रभु कीन सुहावन, उस जगह का नाम दंडक वन था। वो तो भगवान के चरण पड़ने से जगह पवित्र हुई, पर भगवान के नाम से तो कईयों का मन पवित्र हो जाता है। जन मन अमित नाम किए पावन, नाम मन को पवित्र करता है, राम जी के चरणों ने वन को पवित्र किया, नाम हमारा मन पवित्र करता है, इसलिए नाम जप करना चाहिए। माला के द्वारा 10 माला जो रोज जप करे वो आदमी बड़ा भाग्यशाली है। अगर नाम जप नहीं करता तो धनवान होते हुए भी कंगाल है, वो दरिद्र है। कबीरा, यह जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन हो। वही धनवान है, वही सत्तावान है जो सत्य से जुड़ा है। नहीं तो सत्ता हमेशा नहीं रहती है, सत्य हमेशा रहता है। सत्ता कितनी भी ऊंची मिल जाए, कई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बेचारे आए और चले गए, और कई भूतपूर्व होकर बैठे हैं। अपने नाम के आगे कई लोग भूतपूर्व लगाना भूलते नहीं है, कई ट्रकों के पीछे भी लिखा होता है भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व MLA, भूतपूर्व MP, भूतपूर्व कलेक्टर, भूतपूर्व IG, भूतपूर्व DIG, भूलते नहीं है। भगवान को भूल जाते पर अपना पद नहीं भूलते, छूट गया वो, अब है नहीं, वो छूट गया, अब कौन पूछता है, पर फिर भी ये भूतपूर्व लगाएंगे अपने नाम के आगे। भूत भी बेचारे टेंशन में आ गए, हम के भूतपूर्व इतने हो गए, हम भूतों का क्या होगा, वो अब बेचारे दुखी हैं, भूतपूर्व बहुत हो गए, भूलते नहीं है। पर भक्त क्या कहता है, भूल न जाऊं तुम्हें कहीं, हे हरि हे भगवान मैं आपको न भूलूं, आपके नाम को न भूलूं। ये अभी जो हम कमाई कर रहे हैं, दीक्षा लेंगे और जो कमाई करेंगे वो साथ जाएगी। दुनिया में आकर कमाया खूब, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करें भैया कफन में जेब नहीं होती जो कुछ साथ में लेकर जाए। कफन को कफन एक टुकड़ा होता है और क्या होता है, जेब नहीं होती। तो जप सुबह करो तो पूर्व की ओर, शाम को करो तो उत्तर की ओर मुंह करके। जप करने से पहले अपने को तिलक जरूर कर लेना, हो सके तो घी का दिया जला लेना। जप में मन न लगे तो भी करना, ऑफिस में मन नहीं लगता तो भी, ऑफिस में जाते हैं तो अपना पगार तो चालू रहता है, है ना, उपस्थिति दर्ज हो जाती है कि हाँ भाई आए ऑफिस में। ऐसे ही माला लेकर जप करने बैठे, मन नहीं लग रहा है, भगवान के दरबार में हाजिरी तो लग जाती है कि इतनी देर ये आदमी बैठा, इतनी देर ये बेटी बैठी, हाजिरी लग जाती है, एब्सेंट नहीं लगती। स्कूल में नहीं, विद्यार्थी न जाए तो ए लिख देते, एब्सेंट, पी प्रेजेंट, भाई हाजिर है। तो ईश्वर के दरबार में एब्सेंट नहीं लगती कि भाई आया नहीं है, नहीं आया है, बैठा है। और भगवान खुश होते हैं, अगर मन नहीं लगता तो भी भगवान खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान देखते हैं कि इसकी नियत खराब नहीं है, इसकी नियत बहुत अच्छी है, ये तो बैठा है इसका मन साथ नहीं दे रहा है, तो भगवान को अच्छा लगता है कि कोई बात नहीं, ये तो बैठा है मन नहीं लग रहा है, तो इसमें इसका क्या कसूर है। तो एक तो बात यह होती है कि मन लगाते ही नहीं है, और एक बात यह होती है कि मन लगता नहीं है। तो भगवान उन पर नाराज जरूर होते हैं जो मन लगाते ही नहीं है, और भगवान उन पर राजी होते हैं जिनका मन लगता नहीं है, लगाना चाहते जरूर है। फिर कई लोग बकवास करते हैं कि मन न लगे तो भगवान का नाम जपने से क्या फायदा,
माला तो कर में फिरे हाथ में, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दसों दिश फिरे, ये तो सुमिरन नाही। अरे भाई साहब ये सुमिरन नहीं है, ठीक है हम मानते हैं, पर ये जप तो है, सुमिरन नहीं है। तुलसी कबीर जी का ये वचन है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दसों दिश फिरे, ये तो सुमिरन नाही, कबीर जी का वचन है। परंतु कबीर जी ने ये नहीं कहा ये तो जप है नाही, कबीर जी ने कहा ये तो सुमिरन नाही, जप तो हो ही गया, दस माला आपने जप की मन नहीं लगा कोई बात नहीं, सुमिरन नहीं हुआ, जप तो हुआ, उतनी कमाई तो अपनी पक्की हो गई। मन लगे तो बहुत अच्छा, न लगे तो मेरा मन नहीं लगता, जप में क्या करूं, जप छोड़ दूं। महात्मा गांधी जी ने एक लड़के को कहा कि तू माला लेकर राम राम जप किया कर, जवान आदमी है, जवानी में भगवान का नाम ज्यादा जरूरी है। तो गांधी जी की बात मानकर वो लड़का राम 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 जप करता था। पर एक दिन वो लड़का गांधी जी के पास आया और बोला ये लो आपकी माला, मैं भगवान का नाम नहीं जपूंगा। तो गांधी जी ने पूछा क्यों नहीं जपेगा, बोले सारा दिन मैं अपने काम में रहता हूं तब दुनियादारी के विचार फालतू विचार नहीं आते, माला लेकर जप करने बैठता हूं तभी दुनिया भर के फालतू विचार आते दिमाग में, इसलिए मैंने सोचा मैं जप करना छोड़ दूं। गांधी जी ने कहा कि बेटे तुझे माला से जप करना छोड़ने का विचार आया, ये हराम के विचार छोड़ने का विचार क्यों नहीं आया कि मैं आज से इन फालतू विचारों को त्यागता हूं, मैं आज से इन फालतू कल्पनाओं को त्यागता हूं, मैं भगवान का नाम तत्परता से जपूंगा, ये तेरे मन में निश्चय क्यों नहीं हुआ? और तू माला छोड़ने की बात करता है कि मैं आज से भगवान का नाम ही नहीं जपूंगा, क्योंकि उसी समय मेरे मन में फालतू विचार आते हैं। अरे भाई देखो, कमरे में झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाते लगाते डस्ट कचरा हम ले आए चौखट तक, या चौखट से थोड़ा बाहर भी कर दिया, कमरे से थोड़ा बाहर कर दिया तो कचरा दिखेगा, है ना, कचरा दिख रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि सारे घर में कचरा है, कमरा साफ हो गया, अब कचरा बाहर दिख रहा है, कमरे में अंदर फैला हुआ था तो इतना नहीं दिख रहा था पर अब बाहर कर दिया दिख रहा है। ऐसे ही माला लेकर जप करते हैं ना तो कई बार ये कचरा दिखता है कि अरे मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, वो मन में आ नहीं रहे हैं, वो कई जन्मों के जो संस्कारों का कचरा था, कुसंस्कारों का, वो कचरा साफ हो रहा है, कमरा साफ हो गया, बाकी बाहर है, जरा और झाड़ू लगाओ, जरा और भगवान नाम जपो तो ये कचरा और बाहर हो जाएगा, घर पूरा शुद्ध हो जाएगा। जब क्यों छोड़ देना कि मैं तो जब छोड़ दूं, मैं तो पाठ करना छोड़ दूं, नहीं छोड़ना, रोटी खाना कभी छोड़ते हैं? एकादशी को खाना छोड़ते हैं? कोई अन्न नहीं खाते हैं तो फिर पनीर के पकोड़े बनाते हैं, आलू के पकोड़े बनाते हैं, उपवास की कितनी आइटमें खोज ली है लोगों ने। दिल्ली में तो नवरात्रियों में नवरात्रा फेस्टिवल चलता है, लोग 9 दिन घरों में नहीं खाते, होटल में खाते, क्यों के बोले सेंधा नमक वाला मिलता है, उपवासी खाना मिलता है, 80 रुपए की, 100 रुपए की, 150 रुपए की एक डिश, बोलो 9 दिन लोग बाहर खाते, क्यों के नवरात्रियां चल रही है, अपने तो उपवास चल रहे, उपवास चल रहा है कि भंडारा चल रहा है तेरा, बोले अपना तो व्रत है, 80 रुपए की थाली लेकर बैठा, बोलो घर में एक आदमी रोटी खाए तो 80 रुपया खर्च नहीं होता एक आदमी के खाने पर होटल में गया खाने 80 रुपए की एक डिश ली, क्यों कि नवरात्रियां चल रही, मेरे उपवास चल रहे हैं, व्रत है, व्रत नहीं है तेरा, भरत है। एकादशी के दिन भी लोग सोचते फलाहार करना चाहिए, 2 किलो की अंगूर की पेटी लेकर बैठा, क्या कर रहा है, बोले आज फलाहार है अपना, तू 2 रोटी खा, खर्चा मत बढ़ा। एकादशी के एक दिन पहले केले बेचारे पीले पड़ जाते हैं कि हमारी मौत आई, कल मरे हम तो। लोग भी ऐसे उपवास करते हैं, 2 दर्जन केले, 2 किलो सेब, 2 किलो की अंगूर की पेटी, फिर आइसक्रीम, मावे की बर्फी, बोले रबड़ी, ये सब फलाहार में आता है, ये सब खाएंगे, आलू की चिप्स, मूंगफली, फिर मूंगफली को भी उसको मिक्सी में घुमाकर उसकी फिर मिठाई बनाएंगे, हाँ बोले आज हमारा उपवास है। फिर अगले दिन बोलेंगे नाश्ता जल्दी बनाओ, कल हमारी एकादशी थी, तेरी एकादशी भारी पड़ेगी घर वालों को, तो थोड़ा ध्यान रखें।
एक लड़का तो मैंने अपनी आंखों से देखा, आंखों देखी बात कहूं आपको, गुरुवार को उपवास करता था गुरुजी के नाम का, गुरुवार को मैं अन्न नहीं खाऊंगा। तो मैंने देखा एक बार रात को 10:30 बजे उसने नहा धो के खाना बनाना शुरू किया। मैंने कहा प्यारे तेरा तो गुरुवार है, ये तू खाना किसके लिए बना रहा है? तो वो बोला कि 12 बजे दिन पूरा हो जाता है ना, 12 के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है, इसलिए मैं अभी बना रहा हूँ, 1.5 घंटे में खाना बन जाएगा, 12 बजने के बाद बस 12:15 बजेंगे मैं खाना शुरू कर दूंगा। ले ये तेरा गुरुवार किस काम का, तो रात को 12:15 बजे तू खाने बैठे, गुरुवार पूरा हो गया, अब तो शुक्रवार शुरू हो गया। जैसे ट्रेनों में 12 के बाद की डेट चेंज हो जाती है ना टिकट में, ऐसे बोले अब तो तारीख बदल गई, बोले गुरुवार गया। ऐसे उपवासी लोगों को मैंने देखा है, बोलो 12:15 बजे रोटी खाएंगे, गुरुवार पूरा हो गया। मैंने उसको कहा कि इससे तो तू गुरुवार न रख तो अच्छा है, 12 बजे रोटी खाए तो तू 8 बजे खा ले, 9 बजे खा ले। तो खाना नहीं छोड़ते हैं, नहाना नहीं छोड़ते हैं, नींद करना नहीं छोड़ते हैं। एक लड़का तो क्लास में देरी से आया, शिक्षक ने डांटा, क्लास टीचर, पहला पीरियड क्लास टीचर होते हैं, उन्होंने डांटा कि तुम देरी से क्यों आए, टाइम पता नहीं तुमको स्कूल का, प्रार्थना में आ जाना चाहिए था तुमको, लेट आए। उसने कहा सर मैंने गिर गया था और मेरे को लग गई थी। अच्छा सॉरी, गिर गए थे लग गई थी, कोई बात नहीं, आओ बैठो अपनी सीट पे बैठो। कहाँ गिरे थे और क्या लगी थी ये बताओ बेटे। उसने कहा सर ये मत पूछो। बोले नहीं बताओ। साहब आप नाराज तो नहीं होंगे? नहीं नहीं बेटे, तू गिरा है, तेरे को लगी है और फिर मैं तेरे पर नाराज होऊंगा, ये कभी नहीं हो सकता। कहाँ गिरे थे और क्या लगी थी? लड़का बोला साहब बिस्तर पे गिर गया था और नींद लग गई थी। ऐसे लड़के क्या करेंगे आप बताओ। पर यहां बच्चे बैठे कितने अच्छे हैं, कितना जल्दी आकर के सारस्वती मंत्र की दीक्षा लेने को बैठे हैं, बच्चियां बैठी छोटी छोटी, उम्र छोटी है, बचपन है पर बचपना नहीं है इनमें। देखो कितनी शांति से बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बहुत बड़े भी हैं विद्यार्थी स्कूल के, 10वीं 11वीं 12वीं वाले भी हैं, पर छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, छोटी छोटी बच्चियां भी बैठी हैं, है ना। आप देखो बचपन है पर बचपना नहीं है, और कई लोग 55 के हो जाते हैं पर बचपन नहीं छोड़ते हैं। 55 साल उम्र हो गई, एक आदमी संत के पास गया और कहा कि महाराज ये मेरा बेटा आपके आश्रम में आकर साधु बन गया, दीक्षा ले ली आपसे और आपके यहाँ रहता है, तो इसको समझाओ कि इसके खेलने कूदने के दिन हैं, पढ़ाई लिखाई करने के दिन हैं, ये इस उम्र में आकर, ये कोई उम्र है इसकी यहाँ दीक्षा लेकर साधु बनने की, आप इसको समझाओ। तो संत ने कहा इसकी उम्र नहीं है, आपकी तो उम्र हो गई, तो आप आ जाओ इसको भेज देते हैं घर पे। बोले नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा, तो फिर ऐसा क्यों बोलते हो, इसकी कोई उम्र थोड़ी है। मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि दीक्षा लेकर भगवान के नाम की कमाई करे, सच्ची जो जाएगी साथ में, उससे फिर रुपयों की कमाई भी अपने आप अच्छी होती है। एक पूनम व्रतधारी साधक है अपने, ओम प्रकाश यादव उनका नाम है, हैदराबाद में रहते हैं, उन्होंने 96 में दीक्षा ली और जब दीक्षा ली तभी से व्रत ले लिया कि हर पूर्णिमा को मैं बापूजी के दर्शन करके फिर रोटी खाऊंगा, जहां भी बापूजी होंगे मैं पहुंच जाऊंगा। तो वो पूनम व्रतधारी अभी भी हैं। उन्होंने बताया जब मैंने दीक्षा ली 96 में, मेरी एक दुकान थी कपड़े की, रिटेल वो भी, पर मैं हर पूर्णिमा को गुरुदेव के दर्शन को जाता था, तो मेरे साथी दुकानदार बोलते थे पागल हुआ है क्या, हर महीने बापूजी के पास जाने की जरूरत क्या है, बापूजी हो अहमदाबाद में, तू हैदराबाद में, इतना दूर ट्रेन में आने जाने में कितना टाइम लग जाता है, काहे को जाता है, कभी बापूजी दिल्ली में हो तो हैदराबाद से दिल्ली पहुंच जाए, कितना दूर। अब बोले नहीं मैंने व्रत लिया है तो मैं इसको पूरा करूंगा, आजीवन करता रहूंगा। एक दुकान थी कपड़े की रिटेल, वो होलसेल का काम हो गया उसका, बोलो क्या घाटा पड़ा। फिर 5 बड़े बड़े शोरूम और बना दिए, और भी
कारोबार बहुत उनका बढ़ गया। उन्होंने बताया कि मैंने इस हेतु से जप नहीं किया था, इस हेतु से पूनम व्रत नहीं लिया था कि मैं रुपया खूब कमाऊं, और अपने आप चल रहा है। तो ये शक्ति भगवान के नाम की है, गुरु मंत्र की है, उसको साधारण नहीं समझना। गुरु का मंत्र साधारण अक्षर नहीं है, रक्षण हार ब्रह्म है। इसलिए उसको रोज नियम से जपना, साल दो साल जप कर छोड़ मत देना। जब तक जीना तब तक सीना, जप करते रहे। मैंने बुजुर्ग बुजुर्ग संतों को, जिनके लिए कोई विधि निषेध बाकी नहीं है, उनको भी माला लेकर जप करते हुए देखा है। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने जप की अपार अपार महिमा गाई है। भगवान राम ने तो नवदा भक्ति का उपदेश दिया ना शबरी को, उसमें पांचवी भक्ति ये कही, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाश। ये वेद सम्मत है और दृढ़ विश्वास के साथ जप करना चाहिए। कई लोग तो ऐसे होते हैं, खुद तो जप नहीं करते पर जो करते हैं ना उनको भी बोलेंगे पागल हुए हो, दीक्षा काय को ली, जप क्यों करते हो, क्या जरूरत है। अरे भाई दुकान पे बैठते हो तो घर जाने की क्या जरूरत है। अरे बोले घर तो जाएंगे ही ना, तो ऐसे ही जप करना चाहिए। मर जाते हैं और फिर दूसरे जन्म में क्या पता चार पैर वाला बने के आठ पैर वाला ऑक्टोपस बने के सौ पैर वाला कन खजूरा बने के बिना पैर का सांप बने, क्या पता, क्या भरोसा। इसलिए धनभागी वो है जो गुरु से दीक्षा ले ले और रोज जप करे। अरे बोले लोग क्या बोलेंगे, माला लेकर जप करते हैं, भले लोग बोलने तो बोलने दो, मरने के बाद भगवान क्या बोलेंगे ये क्यों नहीं सोचते हैं। लोग क्या बोलेंगे ये तो सोचते हैं, पर मरेंगे तो भगवान क्या बोलेंगे ये नहीं सोचते हैं। लोग क्या, सबको लगा है रोग, क्या कहेंगे लोग, छोड़ते नहीं है भोग, करते नहीं है योग। सबको लगा है रोग, क्या कहेंगे लोग, लोग क्या बोलेंगे, बस इसी में मरे जा रहे। बोलते हैं तो बोलने तो क्या है, अपन तो जप करेंगे भाई कुछ भी हो जाए। तो आज दीक्षा मिलेगी, दीक्षा का दिन याद रखना चाहिए। शरीर का जन्मदिन महत्वपूर्ण नहीं है, दीक्षा का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए दीक्षा का दिन याद रखना, हो सके तो प्रतिवर्ष दीक्षा के दिन व्रत उपवास करके जप ज्यादा करना। आज करने की जरूरत नहीं है, पर आने वाले वर्ष से दीक्षा के दिन व्रत कर सके तो अच्छा है, न कर सके तो जप ज्यादा करना। शरीर का जन्मदिन तो मौत का आगमन दिन है, दीक्षा का दिन तो ईश्वर प्राप्ति का आगमन दिन है। इसलिए शरीर का जन्मदिन महत्वपूर्ण है ही नहीं, ये तो ना समझो को महत्वपूर्ण लगता है, मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है। तो क्या बहादुरी कर ली संसार में जन्म लेकर, मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है, कौन सी बड़ी बात कर ली, जन्मदिन है तो क्या हो गया, जन्मदिन है, जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है, टॉफियां लेकर घूमते रहते, मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है, जबरदस्ती सबको बताते फिरते, कोई न सुनना चाहे तो भी मेरा जन्मदिन है, तो ठीक है, हाँ हाँ बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका जन्मदिन बहुत अच्छा, नहीं मेरा दीक्षा का दिन है। आज के दिन मुझे भगवान के नाम की दीक्षा मिली, जो भगवान का नाम मेरा जन्म और जीवन सफल कर दे उस ईश्वर के नाम की दीक्षा मुझे आज के दिन मिली, वाह 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 वाह। दीक्षा के दिन की खुशी मनानी चाहिए कि आज मुझे गुरुदेव ने ईश्वर का नाम दिया, तारणहार भगवान का नाम मुझे मिला। यदि चाहो तुम कल्याण भजो नारायण नाम, नारायण ही संकट हारी प्राणी मात्र के हृदय बिहारी, दाता परम उदार भजो नारायण नाम।
क्योंकि सच्चा धन तो यही है, बाहर के धन से भीतर की निर्धनता नहीं मिटती है, भीतर कंगालियत बनी रहती है और बाहर तिजोरी भरते जाते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाते जाते हैं, पर सोचते ही नहीं बैंक बैलेंस कभी इनर बैलेंस होता है, नहीं होता। भीष्म पितामह ने विष्णु सहस्त्र नाम बताया महाभारत में, युधिष्ठर जी को सुनाया है कैसे धर्म राजा युधिष्ठर भीष्म पितामह से पूछते हैं, किम जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्, विमुच्यते नमस्तस्य विष्णवे प्रभ विष्णवे। और भीष्म पितामह ने शुरुआत की तो शुरुआत में क्या कहा कि किसके जप से जंतु की तरह जीवन जीने वाला व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। ओम विश्वम विष्णु व षटकारो भूत भव्य भवत प्रभु, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल तीनों कालों पर जिसका प्रभुत्व है ऐसे भगवान का नाम जपो तो भूतकाल भी बढ़िया वर्तमान भी बढ़िया और भविष्य भी बढ़िया हो जाए। संचित में पहले अगर कोई दोष हो गए हैं तो वर्तमान में भगवान के नाम जप से वो दोष नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में तो ऐसी बात भी आती है कि रोज सुबह नहाने के बाद अगर कोई गाय का स्पर्श करे, देसी गाय हो उस गौ का स्पर्श करे, गाय ना हो तो गाय के घी को देखे और थोड़ा हाथ लगाए और सरसों के दाने राई के दाने इनको सुबह सुबह नहाने के बाद छूने से व्यक्ति पाप मुक्त होता है। जब इनको छूने से पाप मुक्त होता है तो भगवान के नाम को जपने से क्या उसका पाप बढ़ेगा, नष्ट हो जाएगा। वंदे महाभय हरम गुरु राज मंत्रम, महाभय को दूर करने वाला ये मंत्र है जो गुरुमुख से मिलता है। उस मंत्र का जप करने से आरोग्य की प्राप्ति भी होती है, निर्धन को धन की प्राप्ति भी हो सकती है अगर वैसा संकल्प करके जप करे तो। सिर पे कर्जा है तो हर शिवरात्रि को घर के आसपास शिव मंदिर हो तो वहाँ एक दीपक पांच बत्ती वाला जला दे और बैठ के प्रार्थना करे, थोड़ा जप करे और रात को रोज दक्षिण के तरफ सिर करके सोए। महीने में एक शिवरात्रि आती है, साल में एक महाशिवरात्रि आती है, हर शिवरात्रि को संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो तब ये प्रयोग करें। कर्जा है और आर्थिक कष्ट है तो हर मंगलवार नमक न खाएं, क्योंकि मंगल देव ऋण हरता देव है। हर देवताओं का अलग अलग विभाग है, मंगल देव ऋण हरता है, कर्ज से मुक्ति दिलाने वाले हैं। गुरु मंत्र का जप करें और ये थोड़े नियम पालें। कई साधकों ने बताए हैं, किसी के ऊपर 30 लाख कर्जा था 3 साल में उतर गया, किसी महिला ने बताया दिल्ली में 25 लाख कर्जा था मात्र 1 साल में उतरा। अब मैं कितनों के नाम याद रखूं पर बहुत लोगों को फायदा हुआ। तो जब से आरोग्य धन और शक्ति की प्राप्ति होती है और सूक्ष्म शरीर का रहस्यमय ढंग से प्रक्षालन हो जाता है, शुद्धि हो जाती है। देखो जब सावित्री के पति सत्यवान के प्राण लेकर यमराज जा रहे थे तो सावित्री गुरु की सिखाई साधना के प्रताप से योग बल के द्वारा यमराज के पीछे पीछे गई। सावित्री के गुरु नारद जी थे,
यमराज के पीछे जाती है। यमराज ने कहा, तू क्यों पीछे आ रही सावित्री, तेरा प्रारब्ध पूरा नहीं हुआ, तुझे तो अभी धरती पे रहना है, तेरे पति की उम्र पूरी हो गई, उसको मैं ले जा रहा हूँ। तो सावित्री ने कहा, यमराज पत्नी के प्राण पति में बसते हैं, पति के प्राण पत्नी में बसते हैं। यमराज मेरे प्राण को आप ले जा रहे हो तो मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी। और शास्त्रों में वर्णन है यमराज के, कोई स्त्री पतिव्रता है, पतिव्रता स्त्री के पति की कभी अपमृत्यु नहीं हो सकती है। पतिव्रता स्त्री को उसके पति से कोई अलग नहीं कर सकता है। तो आप मेरे पति को लिए चले जा रहे हैं, इसलिए मैं पीछे पीछे आ रही हूं, चलो। यमराज ने कहा, बेटी तेरी विद्वत्ता से और तेरी पवित्र समझ से मैं बहुत खुश हूं, तू कोई वरदान मांग ले। सावित्री ने कहा कि मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। पूछो। यमराज, मनुष्य कर्म करता है तो कर्म का फल उसको मिलता है ना? बोले हाँ मिलता है। बताओ ये बात कि कर्म शरीर से करता है और शरीर तो मौत आने पर छूट जाता है और जला दिया जाता है, तो कर्म का फल आप किसको देते हो? कर्म किया शरीर से और वो तो मरने पर जल गया, तो फिर किसको देते हो? यमराज ने कहा, बेटी बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है तूने, मेरे तेरे इस प्रश्न से बहुत खुश हूं, ध्यान से सुन। कर्म का कर्ता स्थूल शरीर नहीं होता है बेटी, जो जला दिया जाता है मौत के बाद। शरीर तो जड़ है, कर्म का कर्ता स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है जो शरीर से निकल जाता है और बोलते हैं मृत्यु हो गई, तो उसको हमारे दूत ले जाते हैं और फिर उसको यातनामय शरीर दूसरा धारण करवाते हैं, उसके द्वारा उसको कर्म फल भोगना पड़ता है। फिर उसको अग्नि कुंड में जलाते हैं, तब वो चिल्लाता है, मर गया, बचाओ बचाओ, उसको जलने की पीड़ा तो होती है पर जलता नहीं है, क्योंकि उसको सजा भोगनी है। कर्म का कर्ता सूक्ष्म शरीर होता है बेटी, तो जप जो करता है तो सूक्ष्म शरीर की मन बुद्धि अंतःकरण आदि की शुद्धि हो जाती है। कर्ता शुद्ध तो कर्म शुद्ध। ध्यान से आप सुन रहे हैं इसलिए मैं एक बात और बताऊंगा। नीति शास्त्र में कर्म पर ध्यान दिया गया है कि कर्म शुद्ध हो, सही हो, है ना? तो भाई परलोक में सुख मिलेगा, नीति शास्त्र कर्म पर ध्यान देता है, पर धर्म वो कर्ता की शुद्धि पर ध्यान देता है, करने वाला ही ठीक हो जाए तो उसके द्वारा जो होगा वो ठीक होगा। कर्म की शुद्धि अच्छी बात है, पर कर्ता की शुद्धि हो जाए, करने वाला ही ठीक हो जाए। तो सत्संग और भगवान के नाम में ये शक्ति है। जैसे पेन अपने आप कोई बात नहीं लिखती, लिखने वाला उसके द्वारा अच्छी या गलत बात लिखता है। कार अपने आप कहीं नहीं जाती, चलाने वाला कार को मुंबई या पुणे या नासिक या औरंगाबाद ले जाता है। ऐसे ही शरीर जड़ है, पर शरीर में जो शरीरी है, सत्संग के अभाव में वासनाएं बनी रहती है, तो फिर शरीर से वो ऐसा करता है। तो जप करने से सूक्ष्म शरीर का प्रक्षालन हो जाता है, गुरु मंत्र का जप करने से पांच क्लेश मिट जाते हैं, अविद्या
माने नासमझी मिट जाती है, समझदारी बढ़ती है, अस्मिता अभिमान नष्ट हो जाता है, किसी में आसक्ति नहीं रहती, राग मिट जाए। तीसरा क्लेश अविद्या अस्मिता राग, चौथा द्वेष, किसी से ईर्ष्या द्वेष जेलसी ना हो, सब अच्छे हैं, सब भगवान का रूप है। और पांचवी बात अभिनिवेश माने मृत्यु का भय, वो भी न रहे। पांच क्लेश गुरु मंत्र का जप करने से मिटते हैं, तीन ताप गुरु मंत्र का जप करने से मिटते हैं, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप। आध्यात्मिक ताप माना मन नहीं लगता, पर जब तत्परता से करे मन लगने लगेगा। आदि दैविक ताप माने कभी भूकंप आया, कभी अतिवृष्टि हो गई, कभी अनावृष्टि हो गई, अकाल पड़ गया, तो गुरु मंत्र के जप से पाठ से आदि दैविक ताप से भी मुक्ति मिल सकती है। जैसे कई इलाकों में जब बरसात नहीं होती है ना, तो सीजन में नहीं हुई तो साधक क्या करते हैं, जप करते हैं गुरु मंत्र का सामूहिक, और श्री आशारामायण के पाठ करते हैं 108 सब मिलकर, संकल्प करके कि हमारे इलाके में बरसात अच्छी हो। तो बरसात अच्छी हुई है ऐसा कई इलाकों में देखा गया है, उन वहाँ के भक्तों ने बताया है। तो आदि दैविक ताप मिट जाए, आध्यात्मिक ताप मिट जाए, आदि भौतिक ताप मिट जाए, वस्तुओं की इच्छा न रहे, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति अपने आप हो जाएगी, और जो इच्छा है उसकी पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। इच्छा की निवृत्ति होती है, आवश्यकता की पूर्ति होती है। इच्छा की पूर्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि एक इच्छा उठी आप पूरी करो तो दूसरी तैयार है, दूसरी पूरी करो तो तीसरी इच्छा तैयार है। तो इच्छा की होती है निवृत्ति, आवश्यकता की हो जाती है पूर्ति। भगवान का विधान मंगल से भरा हुआ है, हमारे लिए कल्याण से भरा। भगवान शिव जी ने कहा इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। मंत्र का अनुष्ठान किया जाता है, उसकी विधि आपके पास पुस्तक होगी, मंत्र अनुष्ठान विधि नाम की, उसमें ये विधि सारी लिखी हुई है कि मंत्र का अनुष्ठान कैसे किया जाए। वो थोड़ा थोड़ा करके किताब पढ़ लेना। विद्यार्थियों ने वीरबल का नाम सुना होगा, सुना ना वीरबल? वीरबल की कहानी काल्पनिक कहानी नहीं है, घटित घटना है। वीरबल का जन्म हरियाणा राज्य के नारनौल शहर में हुआ था, दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर है, लगभग 150-140 जो भी होगा। वहाँ वो जन्मे थे और माँ ने उनको सारस्वत्य मंत्र गुरु से दिलाया था, तब जो उनके गुरु थे और वीरबल रोज जप करते थे, उस जप के प्रताप से वीरबल की बुद्धि इतनी ऊंची शुद्ध हुई कि अकबर की सभा में दूसरे दरबारी तो उनका अपमान करना चाहते थे और षड्यंत्र बनाते रहते थे, पर वीरबल जप करते थे सारस्वती मंत्र का, सदा सम्मानित रहते थे। उनकी नाक काटने वालों की खुद ही नाक कट जाती थी और वीरबल के सम्मान की रक्षा होती थी। सारस्वती मंत्र के जप के प्रताप से वो सारस्वती मंत्र आज यहाँ के विद्यार्थी भाई बहनों को मिलेगा। सारस्वती मंत्र की दीक्षा लेने में मुझे तो 5 साल लगे आश्रम में रहते हुए, 5 साल के बाद मुझे दीक्षा मिली सारस्वती मंत्र की। यहाँ तो 2-3 दिन के सत्संग में ही विद्यार्थियों को आज सारस्वती मंत्र की दीक्षा मिल रही है। जैसे मलिन दर्पण और पानी में अपना प्रतिबिंब नहीं देखा जाता है, अशुभ माना जाता है, मैला दर्पण, टूटा हुआ कांच, टूटा हुआ दर्पण और पानी, इसमें अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए, अशुभ होता है। उसी प्रकार जो गुरु और शास्त्र की निंदा करते हैं उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहिए, वो भी अशुभ माना जाता है। गुरु की, शास्त्र की और भगवान की निंदा करने वाले का मुख कोई देखे तो फिर गंगा स्नान से ही उसका वो पाप निवृत्त होता है, ऐसा गर्ग संहिता में वचन आता है।
गुजरात में एक स्वामीनारायण संप्रदाय चलता है, उसके मुख्य आचार्य प्रमुख स्वामी जी महाराज अभी तो बहुत वृद्ध हो गया उनका शरीर, उनके एक शिष्य उनसे दीक्षा लिए हुए एक वकील मुझे मिले गुजरात में अपना आश्रम है एक वापी में, मुंबई और सूरत के बीच वापी पड़ता है, आपने नाम सुना होगा वापी। वहां आश्रम में सत्संग था तो वो वकील आए थे मुझे मिले और उन्होंने कहा मैंने प्रमुख स्वामी से दीक्षा ली है, मेरी बापूजी के प्रति भी खूब श्रद्धा है। बातचीत में उन्होंने बताया कि हमारे प्रमुख स्वामी जी ने मुझे दीक्षा दी, माने वो एडवोकेट को, तो बोले कहा बेटे दो बातों का ख्याल रखना, एक तो अखबारें मत पढ़ना और दूसरा ये जो टीवी पर न्यूज चैनल वाले बकवास दिखाते रहते हैं टीवी के सामने मत देखना, ये इनके न्यूज देखने के लिए, ये दो काम तू करेगा तेरी भक्ति बढ़ेगी। मुझे आचार्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की ये दोनों बातें बहुत अच्छी लगी जो मुझे उस वकील ने बताई। उपद्रव की खबरें न्यूज के द्वारा पढ़ने से या टीवी पर देखने से कुछ भी नहीं होगा सिवाय समय की बर्बादी के, इसलिए समझदार लोग उनसे भी अपने को बचाते हैं।